ओके दोस्तों, क्या आप लेना चाह रहे हैं मीडिया टेक के डायमेंसिटी 1200 से लेस कोई स्मार्टफोन? सो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे टॉप 3 स्मार्टफोन जिनके अंदर मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर होगा, लेकिन उन स्मार्टफोन की कीमत होगी 12000 रुपए से भी कम और आप ले सकेंगे एक सस्ता वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मीडिया टेक का डायमेंसिटी 1200 जो प्रोसेसर है वो 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है और कमाल की फ्लैगशिप परफॉर्मेंस देता है, यानी कि दोस्तों आप कमाल की हाई ग्राफिक्स में गेमिंग को प्ले कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप सस्ते में फ्लैगशिप स्मार्टफोन ले रहे हैं तो आज की वीडियो में आप ले सकेंगे सस्ते वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले स्मार्टफोन से जो कि दोस्तों हमारा होगा मीडियाटेक के डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर से लेस, जो हुआ दोस्तों हमारा OnePlus Note 2। जैसा कि दोस्तों आप सोच रहे होंगे स्मार्टफोन की कीमत थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों वीडियो को देखते जाइए आपको स्मार्टफोन 12000 से कम में कैसे मिलेगा आपको पता लग ही जाएगा। पहले दोस्तों बात करेंगे इस स्मार्टफोन के फीचर्स की। तो ये स्मार्टफोन दोस्तों 16 अगस्त 2021 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। इसके अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 एक फ्लैगशिप प्रोसेसर, 6 नैनोमीटर वाला, 3 GHz की क्लॉक स्पीड वाला प्रोसेसर। उसी के साथ स्मार्टफोन में मालिका G77 GPU ग्राफिक्स के लिए आपको काफ़ी कमाल का, ये भी फ्लैगशिप वाला ही आपको GPU देखने को मिलता है जो कि गेमिंग में आप काफी मदद करता है। स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 बेस देखने को मिल जाएगा जो कि ऑक्सीजन OS पे काम करता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, और इसी के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की इसके अंदर आपको प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में आपको बैक पे देखने को मिलेगा ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप जो कि प्राइमरी सेंसर देगा 50 MP का 8K अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मोनोक्रोम सेंसर यानी कि टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। फ्रंट में 32 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी पंच होल डिजाइन के साथ, यानी कि आपकी फोटोग्राफी इसमें काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है। उसी के साथ 4500mAh की बैटरी होगी जो 65V के चार्जर के साथ आई, यानी कि 65V। और साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS जैसे फीचर्स दिए गए हैं। UFS 3.1 इसमें स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। स्मार्टफोन को स्टोरेज वेरियंट को आप बढ़ा नहीं सकते, SD कार्ड के जरिए जितनी आएगी उतनी आपको लेनी पड़ेगी, बढ़ा नहीं सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप जितने स्टोरेज लेना चाहते हैं आप पैसे ज्यादा खर्च करके स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग से स्टोरेज को बढ़ाया नहीं जा सकता है। और हाँ, ये स्मार्टफोन NFC को भी सपोर्ट करता है, इस बात का भी ध्यान रखें। और हाँ, ये स्मार्टफोन में आपको डॉल्बी एटमॉस्फेयर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइस की। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था ये स्मार्टफोन 12000 से कम ही कीमत में आपको कैसे देखने को मिल सकता है। स्मार्टफोन की ऑफिशियली कीमत यानी कि दोस्तों स्मार्टफोन की MRP आपको देखने को मिलती है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज की 29999 रुपये, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन में 3000 रुपये का डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है ICIC के क्रेडिट कार्ड के। उसके बाद दोस्तों स्मार्टफोन पे आपको 15250 रुपये का एक्सचेंज ऑफर देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत कुल हो जाती है 11749 रुपये। इतनी कम कीमत में आप स्मार्टफोन को ला सकते हैं अगर आपका एक्सचेंज वैल्यू आपको 100% देखने को मिलती है तो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको 100% ना मिले तो कुछ ऐसा मिलेगी ही नहीं, आप आराम से 70-80% आपको एक्सचेंज वैल्यू देखने को तो मिल ही जाएगी। तो दोस्तों स्मार्टफोन को आप 12000 से भी कम में कैसे परचेस कर सकते हैं, आपने देखा कमाल का ऑफर। लेकिन दोस्तों ऐसे ही और भी ऑफर हैं, आप बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले स्मार्टफोन की तरफ। दोस्तों हमारा होगा पोको F3 GT। जैसा कि दोस्तों जानते हैं ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए काफी ज्यादा माना जाता है। ये स्मार्टफोन दोस्तों 24 जुलाई 2021 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 और MIUI का इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही इस स्मार्टफोन में भी वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिलता है 3 GHz की क्लॉक स्पीड वाला। साथ ही दोस्तों हैरानी की बात यह है कि तीनों ही फोन में जो आज हम बात करने वाले हैं, तीसरा भी एक और है, तीनों ही फोन की जो आज हम बात करने वाले हैं इनके अंदर आपको ग्राफिक्स मालिका G77 ही देखने को मिलता है, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस में जो अगर ग्राफिक्स की बात करें वो सेम है, पोस्टर सेम है, ग्राफिक सेम है, तो आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो शायद तीनों में ही एक जैसी देखने को मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ गेमिंग के लिए तो नहीं कर रहे इनका कंपेरिजन, हम कर रहे हैं ओवरऑल जो आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है, कैमरा पसंद आ सकता है, डिस्प्ले पसंद आ सकती है, डिज़ाइन पसंद आ सकता है, गेमिंग परफॉर्मेंस इकलौती कोई चीज़ नहीं होती किसी भी स्मार्टफोन के लिए। अब दोस्तों बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले यानी कि पोको F3 GT डिस्प्ले की। स्मार्टफोन में देखने को मिलती है 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। साथ ही इसमें आपको HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। स्मार्टफोन की डिस्प्ले ज़बरदस्त है, गेमिंग के लिए बनाई गई है तो इसलिए अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि तीनों में गेमिंग परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन डिस्प्ले के साइज और डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस होती है उससे आपके गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी अलग देखने को मिल सकती है तीनों ही फोनों के अंदर। और इसी के साथ दोस्तों अगर स्मार्टफोन के कैमरे की बात करें तो इसमें भी ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप ही दिया गया है। प्राइमरी सेंसर है 64 MP का, 8K अल्ट्रा वाइड है, 2 MP का माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट में इसमें 16 MP की सेल्फी है और इसमें 5065mAh की बैटरी जो कि 67V के चार्जर के साथ आती है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो OnePlus के स्मार्टफोन से इसकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ
नॉर्मल तो आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन देखते हैं तो फोटोग्राफी के मामले में OnePlus Note 2 अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन हाँ, रेजोल्यूशन जो आपको देखने को मिलता है वो पोको F3 GT का अच्छा है, लेकिन फ़ोन की क्वालिटी यानी कि फोटोग्राफी की क्वालिटी वो आपको OnePlus Note 2 में अच्छी देखने को मिलती है। उसके साथ पोको F3 GT के अंदर आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। NFC का सपोर्ट इसके अंदर नहीं है। UFS 3.1 टाइप देखने को मिलता है स्टोरेज टाइप। साथ ही इसकी स्टोरेज को भी आप एक्सपेंड नहीं कर सकते किसी भी मेमोरी कार्ड के जरिए। अगर आपको स्टोरेज बढ़ानी है तो पैसे ज़्यादा खर्च करके आपको स्टोरेज ज़्यादा वाला स्मार्टफोन लेना पड़ेगा। और इसमें आपको साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। इन डिस्प्ले नहीं है, लेकिन साइड भी काफ़ी अच्छा आपको वर्क देखने को मिल जाता है। सो ये दोस्तों हमारा एक गेमिंग स्मार्टफोन की कैटेगरी से मान लीजिए पोको F3 GT। अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की कीमत प्लस ऑफर के साथ, सो स्मार्टफोन की दोस्तों ओरिजिनल MRP आपको देखने को मिलती है 24,999 रुपए, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज की। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन पे HSBC के बैंक के क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट करने पे 2,500 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता है, और साथ ही 14,950 रुपए की एक्सचेंज वैल्यू, यानी कि इस स्मार्टफोन की कीमत कुल हो जाती है 7,549 रुपए। इतनी कम कीमत पर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलता है, कमाल की बात है। क्योंकि दोस्तों इतना कमाल का गेमिंग परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन जो कि MediaTek के Dimensity 1200 प्रोसेसर से बेस्ड है, वो आपको सिर्फ 7,549 रुपए में देखने को मिल रहा है, तो क्या ही बात है। सो दोस्तों इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और आप अपने घर ला सकते हैं पोको F3 GT। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने तीसरे और आखिरी स्मार्टफोन की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा होगा Realme की ब्रांडिंग के साथ, जो कि दोस्तों हमारा होगा Realme X7 Max। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपका 4 जून 2021 को इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, जो कि काम करता है Realme UI पे। ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको MediaTek के Dimensity 1200 प्रोसेसर से लेस देखने को मिलता ही है। साथ ही जैसा कि मैंने आपको कहा था, तीनों ही स्मार्टफोन माली के G77 GPU ग्राफिक्स साथ आते हैं। उसी के साथ ही स्मार्टफोन में 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही इसके अंदर HDR10+ का सपोर्ट तो देखने को मिलता है, लेकिन हाँ गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ डिस्प्ले की परफॉर्मेंस अच्छी है, डिस्प्ले की मजबूती अच्छी नहीं है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको अच्छे फीचर्स देती है। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन पे कैमरे की बात करें तो इसमें 3 कैमरे दिए गए हैं। बैक में प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस दिया गया है। फ्रंट में आपको जैसे कि आप समझ गए हैं 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलती है। उसी के साथ अगर इसकी बात करें बैटरी की, तो वो आपको देखने को मिलती है 4500 mAh की, जो कि 50 वोल्ट के चार्जर के साथ आती है। साथ ही इसके अंदर आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS जैसे फीचर्स तो हैं। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है और ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों स्मार्टफोन अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि आपको 3.5 mm जैक आपको सिर्फ Realme X7 Max में ही देखने को मिलता है। बाकी जो दो स्मार्टफोन है, OnePlus का स्मार्टफोन और Poco के स्मार्टफोन, उसमें Type-C के अंदर ही आपको 3.5 mm जैक यानी कि आपको ऑडियो जैक देखने को मिलता है। और दोस्तों Realme X7 Max की अगर प्राइस की बात करें, दोस्तों Realme X7 Max की जो ओरिजिनल कीमत है यानी कि MRP है, वो है दोस्तों 27,999 रुपए, जो कि आपको इसको Flipkart पर देखने को मिल रही है। इसके 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज की। स्मार्टफोन में दोस्तों एक्सिस बैंक यानी कि फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे 1355 रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलता है। साथ ही जो इसकी एक्सचेंज वैल्यू है वो है दोस्तों 14,800 रुपए की। उसके बाद दोस्तों स्मार्टफोन की कुल कीमत हो जाती है 10,944 रुपए, यानी कि दोस्तों 27,000 वाला स्मार्टफोन आप 10,944 में अपने घर ला सकते हैं, कमाल का रियलमी की ब्रांडिंग वाला स्मार्टफोन। अब दोस्तों आखिरी में बात करें कि तीनों में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, इस बारे में भी बात कर ही लेते हैं। अब इतनी बात कर ही ली है तो मैं आपको कहूंगा कि आप OnePlus Note 2 की तरफ जाएं। डिजाइन के साथ साथ कमाल की बिल्ड क्वालिटी और कमाल की जो ब्रांडिंग देता है वो OnePlus ही देता है। लेकिन अगर दूसरी चॉइस में आपको बताऊं तो पोको F3 GT रहेगा। कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस के साथ आता है वो स्मार्टफोन और कमाल की डिस्प्ले के साथ भी आता है। अगर आप बात करेंगे Realme के स्मार्टफोन की तो वो अच्छा तो है, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन में आपको कई चीज़ें कम देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको इसका डिजाइन शायद पसंद ना भी आए, क्योंकि दोस्तों सिंपल सा डिजाइन है, कुछ ज़्यादा फीचर्स खास है नहीं। लेकिन जो अगर पोको की बात करूँ तो डिजाइन तो वैसे उसका भी खास है नहीं, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस उसकी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। सो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप पहले जाए OnePlus की तरफ, अगर आपको OnePlus पसंद नहीं आता है तो पोको के स्मार्टफोन की तरफ जाया जा सकता है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों इसी को नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।